माँ प्यो ते भैणा दा भरा ही एक सब तो वड्डा सहारा हुंदा है। जे उसनों कोई मुश्किल आ जावे तां घर दे विच मुसीबत बन जांदी है। इहो जिहा मामला सामने आया है बागा पुराना तो, जिथे कि एक तीन भैणा दा इकला वीर किसी बीमारी नाल जूझदा होया बीमार पै गया अते उस परिवार ने उस बीमार भरा लई समाज सेवी अते दानी सज्जना तो मंग कीती सी। सो उसनों किसी संस्था वालों हस्पताल विच एडमिट करवा दिता गया है अते हुण उसका इलाज संस्था दे मध्यम राही चल रहा है। इस वीडियो नू देख के समाज सेवी मेजर सिंह कोट भाई अज उन्हां दे पिंड पहुंचे अते तीन तियां दे सिर ते हाथ रख के उन्हां नू राशन आटा सूट अते कुछ नकदी की सेवा की। भरा दे जल्दी ठीक होने की भी कामना की गई अते लोड़वंद परिवार नाल दिवाली मनाई गई। वीडियो क्लिप विच तुहानू दिखाने आ कि उन्होंने परिवार के नाल किस तरह गलबात की। साहब जी अपने जगह में बैठा हूँ, जगह तो चलो किराया पर नहीं, अपनी जगह है सर जी, क्यों नहीं गुजारा करता हूँ। दो मिनट ले लेके साइकिल लेके कुलचा बेच के गुजारा कर रहा हूँ। बस तोड़ फिर के सारे रात तक 9 बजे तक घूमता रहता हूँ। और की करिए, कुलचा बेच के 3 कुड़िया 1 मुंडा है। मुंडा बहुत जोर पे मारा है, बहुत सारे पास थक के फिर खर गया। सारे ना बिनती है साहब जी, ऐसी मुंडा ठीक हो जावे जी। ऐसी तो यही चाहते मेरा लड़का सही हो जावे, बस मेरा लड़का सही हो के आ जाए घर, मेरा यही उम्मीद है। मैं तो जीवन छोड़ रखे कि मेरा लड़का मेरा हाथ में है कि नहीं है। मैं 3 बेटी ले गए थे गुजारा करूँगी, मैं तो सारे उम्मीद लेकर बैठे थे मुंडे का। उनकी करना होगा, मैं किस लिए जीऊँगी, मैं इसी खातिर जीऊँगी ना। जब मेरा बेटा नहीं मेरा साथ में रहेगा तो मैं किस लिए जी सकते हैं। मेरा जीना कोई मकसद नहीं है अभी। बस सबसे यही धन्यवाद करना चाहते हैं, मेरा बेटा मेरा साथ रहे। असी खड़े हैं बागा पुराना दे विच, अज एक केस तुहाडे कोल हैगा राम प्रवेश कुमार 19 साल उम्र जो तुसी लड़का देख रहे हो। अरे अज तुहानू ये याद कराउण दा मकसद की है, दस दिए भी जो ये लड़का अज तो 10 दिन पहला इसका एक पित्ते का ऑपरेशन होया सीगा, ते ये वीर नू तुसी वरिंदर पाल नू जानदे हो, बागे पुराने दे विच कुलचे का काम करता, रेहड़ी तुसी इन्हां नू अक्सर देखिया होना। परिवार दे विच इन्हां कोल 3 बेटियां 1 बेटा वड्डा ते 1 पत्नी, 4 जण्यां दी जिम्मेवारी इस वीर ते है। कुलचे का काम करता है, तो 10 दिन पहला उस बेटे का जिहड़ा पित्ते का ऑपरेशन होया सीगा। ऑपरेशन तो बाद जदों इन्हां नू इहो जी कॉम्प्लीकेशन आई, 4 दिन बाद ही इन्हां नू दोबारा तकलीफ शुरू हो गई, दर्द इन्ना क ज़्यादा हो गया, तो ये वापस डॉक्टर साहब कोल उत्थे गए जिहड़ा एक प्राइवेट हॉस्पिटल दे विच इन्हां ने बागे पुराने कराया सीगा। उत्थे उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैनू समझ नहीं आई हैगी भी ये की चीज़ हो गई, किस तरह इन्हां दे जिहड़े OTPT इन्नी ज़्यादा वध गई, इनफेक्शन इन्नी ज़्यादा वध गई, इन्हां दा सिटी स्कैन सुजैसट किया तो सीधा जाके DMC लुधियाना जिहड़ा इन्हां नू रैफर कर दिता गया। पर एक बंदा जिहड़ा 100, 200, 500 हज़ार रुपया भी कमाउंदा होवे उहदे लई लुधियाना जाना बहुत औखी गल हैगी है। तो फिर जाके जदों इह कल एक प्राइवेट हस्पताल दूसरे दे विच एडमिट होया तो उत्थे भी 5,000 रुपया 1 दिन का खर्चा सीगा। जिस बंदे कोल गुंजाइश ना होवे, उत्तों इक्को ही एक मुंडा होवे ते ओह बीमार हो जाए ते जिंदी हालत इन्नी कि 3 दिन तो लैटरिन बाथरूम नहीं आया हैगा, ते दर्द नाल इन्ना कि जदों हुण असीं घरे वड़े आ ते दर्द नाल इह बेटा डिग पिया नीचे, भी इन्नी ज़्यादा तकलीफ सीगी, क्यों माँ प्यो नूं भी दसना औखा हैगा क्योंकि जिहड़ी कंडीशन है पेशेंट की वह घंटियां दे हिसाब नाल ही माड़ी हो रही है। पर हुण लाइफलाइन वैलफेयर क्लब की टीम कोल केस आया हैगा, जिस बंदे कोल गरीब कोल कोई गुंजाइश नहीं हैगी उन्हूं एक हथियार नहीं सोचते, उन्हूं सिर्फ इलाज सोचता है। जो बहुत ही मुश्किल दे विच जो आपका कोई धी पुत पिया वेखते हैं ना, वह भी दर्द नाल कुरलाउंदा होवे ते उदों हथियार नहीं सोचते हैगे। मेरे वीर ने यह दुखदाई वीडियो पाई हैगी, मैं उस वीर का बहुत ही धन्यवाद करता हाँ। वीडियो दर्शाया गया सीगा एक गरीब परिवार जो बाहर तो आके अपने इस पिंड दे विच वसिया होएगा ते कोचे विच के अपना गुजारा करता है, बड़ी मुश्किल दे नाल 3 धीआं 1 लड़का जिहड़ा कि सख्त बीमार सी, वह बच्चा काफ़ी दुखी सीगा, जिसनों फरीदकोट हस्पताल दे विच दाखिल कराया गया। डॉक्टर साहब बोलते ने भी खर्चा भी काफ़ी आऊगा, मेरी पंजाबी वीरां नूं
पंजाब दे वास्ते वीरां नूं, बाहर वास्ते पंजाबी वीरां नूं मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, इस परिवार ते मेहर भरिया हाथ रखो। जिनी भी हैल्प हो सकती है वध तों वध इस परिवार की हैल्प करो। तरन तारण तो जगजीत सिंह डल की रिपोर्ट द पब्लिक टाइम्स।